Welcome to online classes. Class 6 science. Chapter 3. We are already read book different types of plant or different types of food item. So in this period next topic we are read. ठीक है, देखिए आपका एक्वेटिक हैबिट, एक्वेटिक प्लांट के बारे में या एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में आपको बताया गया है. एक्वेटिक ठीक है, आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है जलीय जंतु भी हैं और विभिन्न प्रकार के एक्वेटिक एनिमल्स. आपको बताया गया होगा कि वह एनिमल्स जो जल में रहता है तो किस प्रकार के एनिमल्स को जलीय जानवर या एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है जल में जो हैबिटेट करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं. ठीक है, चलिए आपके टॉपिक पे चलते हैं. एक्वेटिक हैबिटेट कंजेस्ट ऑफ वाटर बॉडी का और फॉर्म. ठीक है, दे आर टू टाइप, मैरिन और फ्रेश वाटर हैबिटेट. ठीक है, ये दो तरीके जो होते हैं, एक मैरिन होता है और एक फ्रेश वाटर होता है जिसको आप साल्टी वाटर भी बोलते हैं. ठीक है, ओशियन एंड सी आर मैरिन हैबिटेट. ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र, एंड सी, सी मतलब सागर. तो इसमें जो है खारा पानी होता है. कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है. रिवर, लेक आर पॉन्ड आर फ्रेश वाटर हैबिटेट. ठीक है, रिवर, लेक और पॉन्ड में जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं. ठीक है, आपको एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी आप फिल कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक में है एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट. क्या है एक्वेटिक प्लांट का एडाप्टेशन? क्या है? देखिए रूट क्या है, एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट. सबसे पहला आता है रूट, मतलब जड़, रूट मतलब जड़. देखिए द रूट ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज ए पॉली मेम्बर आर ए रिड्यूस्ड इन साइज. क्या है? जो एक्वेटिक प्लांट की जो रूट होती है, जड़ होती है, बहुत कम मात्रा में डेवलप करती है. ठीक है, ठीक है. एक्वेटिक प्लांट आर इन ए डायरेक्ट कनेक्ट विथ वाटर. एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो डायरेक्ट वाटर से कनेक्ट होता है. सो दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इन एयर सरफेस इन रियर प्लांट. ठीक है, वो सरफेस से जो अपने प्लांट को जो है वाटर ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. देयर फॉर एक्वेटिक प्लांट हैव पुअरली डेवलपमेंट रूट सिस्टम. इसीलिए एक्वेटिक प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है, वो जड़े होती हैं, बहुत कम मात्रा में डेवलप करती हैं. ठीक है, द मेन पत्ता रूट सच ए प्लांट इज ए अर्थर. ठीक, अब देखिए बात आती है जो रूट की बात आ गई. दूसरा है स्टेम, पहला रूट, दूसरा है स्टेम. देखिए स्टेम ऑफ ए एक्वेटिक प्लांट आर लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा. ठीक है, टॉलेंडर स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब इधर उधर मूवमेंट कर जाता है. ठीक है, गद्दे के तरीके का एक दूसरे से जो है कनेक्ट रहते हैं. दे आर ए ब्लड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर विदाउट ए गेटिंग बैरियर. ये
वाटर के डायरेक्शन में बिना डैमेज हुए जो है फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, तो द एयर स्पेशल प्रोजेक्ट इन द स्टेम टू मेक देम ए लाइट एंड हेल्प द प्लांट ऑफ ग्रो। क्या है, इसमें जो होता है एयर स्पेस होता है जो हेल्प करता है उसको जो है बहने में हेल्प करता है। लीफ, लीफ मतलब पत्तियां। ठीक है, लंबी भी होती है, पतली भी होती है, रॉबिन शेप होते हैं। दे कैन बेड इजी ऑन द फ्लोइंग वाटर विदाउट गेटिंग डैमेज। वो आसानी से जो है वाटर के साथ में फ्लो कर जाते हैं बिना किसी डैमेज के। इन सम सम मार्केट प्लांट लेट आर फाइंडेड है डिस्कनेक्टेड विच अलाउ वाटर टू फ्लो टॉट देम विदाउट एनी डैमेजिंग देम। बिना डैमेज हुए वो एक दूसरे को फ्लो करते हैं, हेल्प करते हैं। द लीव ऑफ फ्लोटिंग प्लांट सच एज लोटस आर लॉर सर्कुलर एंड ऑफ्टन कोटेड विद द वैक्स ऑफ द आर ए कवर्ड विद हेयर। उसमें छोटे छोटे जो है हेयर टाइप के निकले होते हैं जिससे वो कवर्ड होता है। द वैक्सी कोटेड मेक्स ऑफ द लीव वाटर प्रूफ। इसके ए वाटर क्या होता है, लीफ को वाटर प्रूफ बनाता है। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम ए रोटिंग, इसमें जो है प्रिवेंट देम ए रोटिंग मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरी टॉपिक है एडाप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में का जो है एडाप्टेशन होना। ठीक है, द मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स आप स्ट्रीम लाइन आर ए बोट शेप बॉडी। इसका जो बॉडी होता है बोट शेप होता है। दिस हेल्प टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू द वाटर व्हाइल दे स्विम। क्या है, वो आसानी से जो है वाटर को रेजिस्ट करके जो है स्विम करते हैं। स्विम करना मतलब तैरते हैं। सम एनिमल सच एज स्क्वायर्ड एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी। इसके ऑक्टोपस के पास या स्क्वायर के पास जो है स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होती है, मतलब नाव के आकार का नहीं होता है। हाउएवर दे मे मूव टू द वाटर देयर बॉडी रिक्वायर्स अ स्ट्रीम लाइन शेप। क्या है, इसलिए वो अपने बॉडी को मूवमेंट करवाते हैं। फिंच आर टेल्स आर फीचर्स हेल्प टू द स्विमिंग। फिंच जो है और टेल्स ये फिश को जो है हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। एनिमल सच एज डक आर एनिमल सच एज डक आर नॉट स्विम विद द हेल्प ऑफ द विथ फीट क्वेल एंड फ्लिपर्स दैट हेल्प आर टू स्विम। क्वेल का जो है फ्लिपर्स होता है जिसके माध्यम से जो है वो तैरता है। फिश एंड फ्रॉग्स एंड विथ फॉर ब्रीथिंग। फिश और फ्रॉग, फिश मतलब मछलियों के पास और मेंढक के पास जो होता है गिल्स होता है ब्रीथिंग के लिए। गिल्स आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्या होता है, जो वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ है वो क्या करते हैं एब्जॉर्ब करता है गिल्स के माध्यम से। ठीक है, डॉल्फिन एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स। डॉल्फिन और व्हेल्स के पास जो होता है गिल्स नहीं होता है। दे ब्रीथ एयर थ्रॉट ए डॉल्फिन एंड ए ब्रेको व्हेल प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। उसके हेड के अपर पार्ट में जो होता है वो फूल होता है जिसके माध्यम से दे कैन रिमेन अंडर वाटर विदाउट ब्रीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या है, इसीलिए वो जमीन पानी के अंदर जो है लंबे समय तक जो है रह सकते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ फिश कवर्ड विद स्केल्स द प्रोटेक्ट फिश फ्रॉम ए डिकेइंग ऑफ द वाटर। द हैबिटेट कंपेयर्ड टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट द
लिविंग आर का, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही है, तो इतना आप पढ़ेंगे, आपके जो है नेम द फॉलोइंग चेक पॉइंट का होमवर्क देंगे, चेक पॉइंट पेज नंबर 31 पे क्लिक करना, वो खोज के जो है आप क्लिक करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।